दोस्तों कैसे हो आप सभी। मैं कुणाल और आप देख रहे हैं आपका अपना NF Explorer। सो दोस्तों मैंने आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग सी वीडियो जो है इन दोनों बाइक के ऊपर, यहाँ पे बजाज की RS 200, यहाँ पे यामा की R15 वर्जन 3, दोनों ही बाइक अपने सेगमेंट की काफी बीस बाइक है और काफी ज्यादा फैन बेस है। और मार्केट के अंदर इन दोनों के अंदर हमेशा ये दिक्कत रहती है कि कौन सी बाइक ज्यादा रिलायबल है, कौन सी ज्यादा बाइक रिलायबल नहीं है। तो इस वाली वीडियो में इन दोनों बाइक की क्वालिटी के बारे में बात करूंगा और इन दोनों के एजेस वगैरह, इसकी प्लास्टिक क्वालिटी, कौन सी बाइक की ज्यादा अच्छी है। अगर आप इन्हीं दोनों में से किसी एक बाइक को प्लान कर रहे हो तो आपकी वीडियो काफी काम आने वाली है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते, इन दोनों बाइक्स को करते एक्सप्लोर और वीडियो करते शुरू। दोस्तों ये रही दोनों बाइक्स, यहाँ पे बजाज की RS 200 और यहाँ पे यामा की R15 V3 वाला ये वेरिएंट है। पहले मैं आपको इन दोनों बाइक्स के वॉकराउंड दे देता हूँ। तो ये बजाज की RS 200 सिल्वर कलर की और काफ़ी ये हैवी सी लगती है साइड में से, ये देखो कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे ये 2021 वाला वेरियंट है, सो आपको इसमें चेंजेस दिखाई दे रहे होंगे काफ़ी सारे। बाकी अगर इसकी टेल टाइटी कुछ ऐसी आती है और टेल लाइट भी उसी में इंटीग्रेटेड है। और यहाँ से कुछ ये इस तरीके की बजाज पल्सर RS, काफ़ी बोल्ड लुक देने की इसको कोशिश करी है कंपनी ने। और काफ़ी सारे इसके अंदर प्लास्टिक के ग्राफिक दे रखे हैं, वाइट, सिल्वर, ब्लैक और कुछ इसके ग्राफिक्स स्टिकर। वहीं अगर आप बात करें यामा R15 की तो उसका लुक कुछ इस तरीके का, काफ़ी हैवी सी बाइक लगती है। ये रेड एंड सिल्वर कलर के कॉम्बिनेशन में आती है और काफ़ी सारी बड़ी बड़ी इसके अंदर आपको फेयरिंग दिखाई जाती है। साइड में से दोनों बाइक आपको काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी सी लग रही होंगी। रियर से कुछ R15 ऐसी आती है, काफ़ी ज़्यादा सिमिलर बाइक्स हैं ये, छोटे मोटे फ़र्क हैं लेकिन इंजन के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है इस बाइक के अंदर भी। सो फ्रंट से कुछ ऐसी बाइकें लगती है। सो अब देखते हैं इन दोनों बाइक्स के फ्रंट को। बजाज ने इस RS पल्सर के अंदर यहाँ पे ब्लैक कलर का यूज़ करा है, ग्लॉसी ब्लैक इसके अंदर आता है। और यहाँ पे से थोड़ा और नीचे आते तो यहाँ पे ये इसकी DRL दे रखी है और यहाँ पे ये दोनों डेविल लेंस प्रोजेक्टर हेडलैम्प दे रखे हैं। यहाँ पे हेलोजन बल्ब का सेटअप इसके अंदर आता है। यहीं अगर इसके इंडिकेटर की बात करें तो इंडिकेटर इसमें LED का सेटअप आता है पूरा। और यहाँ से कुछ ऐसी एग्रेसिव सी लगती है, काफ़ी वोल्ट सी लगती है फ्रंट में से। यहीं से थोड़ा सा और नीचे आते तो इसके मडगार्ड की बात करते हैं। मडगार्ड इसका नॉर्मल है लेकिन इसके ऊपर एक कार्बन फाइबर की टेपिंग की गई है। यहाँ पे कुछ इसका डिज़ाइन नहीं है, यहाँ पे टेपिंग है। यहाँ से थोड़ा सा और नीचे आते तो यहाँ पे ABS की बैजिंग हो रखी है। और यहीं पे अगर आप इस R15 की बात करें तो R15 फ्रंट से कुछ ऐसी आती है, फ्रंट इसका रेड कलर का यहाँ पे। और यहीं से थोड़ा सा और नीचे आते तो यहाँ पे इसका हेडलाइट का सेटअप, हेडलाइट इसके अंदर LED आती है। और पास में देखें तो यहाँ पे दे रखा है फेक वेंटिलेशन का होल यहाँ पे, और इसके अंदर भी सारे होल इसके क्लोज हो रखे हैं। काफ़ी एग्रेसिव सा लुक इसके अंदर आता है। और यहीं साइड में अगर इसके इंडिकेटर्स की बात करी जाए तो इंडिकेटर इसके अंदर नॉर्मल हेलोजन के आते हैं। यहीं से थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो यहाँ पे ये इसका मडगार्ड, मडगार्ड की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और एक अलग सा टेक्सचर देने की इसमें कोशिश करी गई है। अब करते हैं इन दोनों बाइक्स के साइड प्रोफाइल की बात। सबसे पहले बजाज पल्सर RS को देखते हैं साइड में से। साइड में से कुछ ये ऐसी वोल्ट सी लगती है, इसके अंदर काफ़ी सारी प्लास्टिक का यूज़ करा गया है यहाँ पे इसकी फेयरिंग में। और वहीं अगर इसकी प्लास्टिक क्वालिटी की बात करी जाए तो प्लास्टिक क्वालिटी वैसे तो काफ़ी अच्छी है और यहाँ पे काफ़ी मैसी मैसी सा इसके अंदर डिज़ाइन दिया है। यहाँ पे ये नेट फेक नेट है यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए, शो करने के लिए, लेकिन ये फेक है। और यहीं पे ये यहाँ पे सिल्वर कलर की प्लास्टिक यहाँ पे यूज़ हो रखी है और यहाँ पे कार्बन फाइबर का टेक्सचर यूज़ करा गया है। ये टेपिंग है और काफ़ी मैसी सा इसके अंदर ये डिज़ाइन दिया है। यहाँ से थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो यहाँ पे ये 200cc की वेजिंग हो रखी है। और यहाँ से थोड़ा सा और नीचे की साइड में आते तो यहाँ पे ये मैट सिल्वर कलर की फेयरिंग दी हुई है नीचे वाली साइड में, जो इसके इंजन को काफ़ी हद तक कवर कर देती है। और यहाँ से थोड़ा सा और पीछे आते तो ये इसका फ्रेम वाइट कलर का, ये इसके अंदर चेंज करा गया था। पहले ये ब्लैक कलर का आता था, जो उससे पहले वाला वेरिएंट 2020 वाला वेरिएंट होता था, 2019 वाले वेरिएंट जो भी होते थे उसमें ये ब्लैक कलर का आता था। और 2021 में ये एक चेंज करा गया इसके अंदर, ये फ्रेम इसका वाइट कलर का है। और यहीं से थोड़ा सा और पीछे आते तो यहाँ पे की वेंटिलेशन की नेट दे रखी है, ये फेक नहीं है, ये इसके अंदर पीछे की साइड में आपको दिखाई भी देगा। और यहीं से थोड़ा सा और साइड में आते तो ये RS 200 की वेजिंग और यहीं पे दे रखा है, ग्रैब हैंडल इंटीग्रेटेड है और जो इसकी लुक को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करते हैं। यहाँ पे अलग से कुछ भी नहीं दे रखा है, काफ़ी इसकी वायरिंग वगैरह फैली हुई है लेकिन काफ़ी हद तक इनको एडजस्ट करने की कोशिश करी गई है, जो काफ़ी अच्छी बात है। काफ़ी रिलायबिलिटी ये इंक्रीज़ कर देती है बाइक के अंदर और क्वालिटी वाइज अगर देखा जाए तो बाइक के अंदर कोई कमी नहीं है। अब करते हैं R15 की बात। सो साइड में से R15 कुछ इस तरीके की दिखती है, इसके जो ग्राफिक है काफ़ी ज़्यादा हैवी इसको बनाता है, काफ़ी वोल्ट सी लगती हुई है। तो यहाँ पे ये VVA की वेजिंग हो रखी है, इसी से आगे यहाँ पे R15 की, नीचे ABS की वेजिंग की गई है। यहाँ पे ग्राफिक काफ़ी ज़्यादा वोल्ट इसको बना देते हैं और नीचे यहाँ पे यामा की वेजिंग हो रखी है, इसके ऊपर भी ग्राफिक्स हैं। और इससे थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो यहाँ पे ये ब्लैक पियानो फिनिश का यहाँ पे यूज़ करा गया, इसकी फेयरिंग को काफ़ी अपीलिंग बना देता है इस वाली साइड से। यहीं से थोड़ा सा और इस वाली साइड में आते तो यहाँ पे ये इसका फ्रेम ब्लैक कलर का दे रखा है। और यहीं से थोड़ा सा और पीछे चलते हैं तो यहाँ पे भी ये काफ़ी स्पोर्टी सी लगती है और
जो पीछे वाली सीट पे बैठेगा उसके लिए यहाँ पे ग्रैब हैंडल अंदर की साइड में दे रखे हैं। ये भी प्लास्टिक का है, प्लास्टिक की क्वालिटी काफी अच्छी है इसकी। ये R15 का थर्ड वर्जन है, उसकी वेजिंग यहाँ पे वो रखी है और काफी स्पोर्टी सी लगती है दूर से इसको देखें तो। और दोनों को बाइक को अगर आप साइड से देखेंगे तो काफी ज्यादा हैवी लगती है, अपने सेगमेंट की बीस्ट बाइक है दोनों की दोनों। काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है इसकी बॉडी को लेकर के, लेकिन इन दोनों ही बाइक की जो फैन फॉलोइंग है काफी ज्यादा है मार्केट के अंदर। अब करते हैं बजाज पल्सर की रियर प्रोफाइल की बात। रियर से कुछ ये ऐसी दिखती है और काफी ज्यादा इसको मतलब कंपनी ने नेक्स्ट लेवल का करने की कोशिश करी थी, क्योंकि ज्यादातर बाइक्स की जो टेल लाइट आती है वो इसके अंदर इंटीग्रेटेड होती है, लेकिन इसकी टेल टाइडी पे ही दी हुई है और इसी से नीचे इसकी नंबर प्लेट और यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर आपको दिखाई दे जाएगा। यहाँ पे इसके बाइक के मडगार्ड और मडगार्ड की भी क्वालिटी काफी अच्छी है, लेकिन हम इसको रिमूव करके इसको और स्पोर्टी बना सकते हैं, लेकिन जिस भाई की बाइक है उसने ऐसा कुछ नहीं करा क्योंकि बाइक अभी बिल्कुल न्यू है। और यहाँ पे इसकी टेल लाइट एलईडी सेटअप के अंदर आती है और इसके इंडिकेटर भी यहाँ पे एलईडी का, यहाँ प्रॉपर एलईडी का सेटअप है। और वहीं अगर R15 वर्जन 3 की बात करें तो रियर से कुछ ऐसी दिखती है, टेल लाइट इसमें एलईडी का सेटअप आपको मिल जाता है। और यहीं से थोड़ा और नीचे आते हैं तो यहाँ पे इसके इंडिकेटर इसके अंदर नॉर्मल हैलोजन बल्ब के आते हैं, थोड़े ये फेड जरूर हो गए लेकिन क्वालिटी अगर देखी जाए फिर भी काफी हद तक ठीक है इसकी। लेकिन ये वाली प्रॉब्लम एलईडी के अंदर नहीं आती, एलईडी थोड़े रिलायबल होते हैं। तो दोस्तों अब करते हैं इन दोनों बाइक्स के साइड प्रोफाइल की बात। अगर साइड प्रोफाइल को देखा जाए तो बजाज पल्सर में फ्रंट टायर में यहाँ पे 17 इंचेस का ये रिम आता है और 180 का इसका टायर प्रोफाइल है। और यहाँ पे इसकी काफी बड़ी सी डिस्क दे रखी है और इसके अंदर ये ABS की प्लेट यहाँ पे आ रखी है और यहाँ पे वाइबर के डिस्क आते हैं। और ये इसका कुछ सस्पेंशन फॉक के अंदर यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है। वहीं अगर R15 की बात करें तो R15 में फ्रंट में 17 इंच का रिम आता है, 180 का इसका टायर प्रोफाइल है, बिल्कुल सिमिलर है पल्सर 200 से। और यहाँ पे भी काफी बड़ी इसकी डिस्क दे रखी है और यहाँ पे इसकी ABS की प्लेट, दोनों ही बाइक्स के अंदर ड्यूअल चैनल ABS आता है और यहाँ पे भी वाइबर की डिस्क है और कुछ ऐसा इसका सस्पेंशन फॉक है, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर नहीं देखने को मिलता। बाकी यहीं से अगर थोड़ा सा और पीछे चले तो यहाँ पे R15 के रियर प्रोफाइल की बात करी जाए तो यहाँ पे रियर में भी 17 इंच का यहाँ पे रिम दिया गया है और 140/70 का इसका टायर प्रोफाइल है रियर का। यही अगर पल्सर के रियर प्रोफाइल की बात करी जाए तो रियर प्रोफाइल में पल्सर में भी 17 इंच का रिम आता है, 130/70 का इसका टायर प्रोफाइल है। बाकी अगर इन दोनों बाइक के रियर से टायर को देखा जाए तो इसका थोड़ा सा पतला है इन कंपैरिजन R15, लेकिन इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं है इन दोनों बाइक्स के अंदर। यहीं इसके अगर रियर सस्पेंशन की बात करी जाए तो यहाँ पे रेड कलर की स्प्रिंग आती है। वहीं अगर R15 के रियर शॉकर की बात करें तो यहाँ पे सिल्वर कलर का स्प्रिंग आता है, काफी अच्छा ये भी गड्ढों को ऑब्जर्व करता है। और कंपनी इन दोनों बाइक के अंदर जो शॉकर देती है काफी सॉफ्ट देती है क्योंकि इनके अंदर फेयरिंग्स है वो हिल ना जाए, उनमें रैगलिंग की साउंड ना आए, इसलिए कंपनी इन चीजों का काफी ख्याल रखती है दोनों बाइक्स के अंदर। अब करते हैं इन दोनों बाइक्स के इंजन की बात। सो अगर पल्सर का इंजन देखा जाए तो पल्सर इसके अंदर 200cc का इंजन विद 6 गियर्स के साथ देती है, ऑयल कूल्ड इंजन इसके अंदर आता है। पास से मैं आपको दिखाऊं तो DTSI ट्रिपल स्पार्क इसके ऊपर लिखा है क्योंकि ट्रिपल स्पार्क इसके अंदर होते हैं, पावर काफी अच्छी है इस बाइक की। R15 के अंदर भी 150cc ऑयल कूल्ड इंजन आता है, परफॉर्मेंस वाइज R15 का भी इंजन नो डाउट काफी अच्छा है। तो मुझे कहीं ना कहीं R15 का इंजन थोड़ा सा पल्सर से ज्यादा अच्छा लगता है, रीजन भी यही है कि ये 150cc के अंदर आता है और वो 200cc के अंदर आता है और फिर भी पावर में ये बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़ती बाइक अपने अंदर, बहुत मतलब क्विक पिकअप है, क्विक रिस्पॉन्स है इस वाली बाइक का। वैसे तो बाइक वो भी काफ़ी अच्छी है लेकिन देखा जाए तो वो 200cc में आती है और ये 150cc के अंदर आती है और पावर बहुत ज़्यादा सिमिलर निकलती है इन दोनों बाइक्स की। सो यही है कि काफ़ी ज़्यादा कंपनी ने इसके इंजन को अच्छा और स्पोर्टी बनाया है। यहीं अगर इसके एजेस की बात करी जाए तो मुझे इसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत लगती है कि बिल्कुल भी सेटअप नहीं होता, जैसे यहाँ पे आपको गैप दिख रहा होगा, यहाँ से बिल्कुल अच्छे से कवर हो रखा है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गैप आ रखा है, तो ये देखो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गैप है। ये वाली साइड भी कुछ ऐसी है इसकी, देखो कितनी ज़्यादा मतलब इसके एजेस ख़राब हो रखे हैं और बाइक को अभी 6 महीने भी नहीं हुए और ये हालत है इसकी फेयरिंग की। तो ये कंपनी से ही ऐसी आई थी, सो कंपनी को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। वहीं अगर R15 के एजेस की बात करें तो R15 के जो एजेस है काफ़ी हद तक ठीक हैं, ये देखो इस वाली साइड से ये चीज़, और यहाँ से अगर देखा जाए तो ये वाली चीज़ है। इस वाली बाइक को 1 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और एजेस वगैरह में और इसकी प्लास्टिक में कोई मुझे दिक्कत नहीं लगी है। अब करते हैं पल्सर RS 200 के टैकोमीटर की बात और यहाँ पे ये जो इसके स्विचेस दे रखे हैं, स्विचेस की क्वालिटी नो डाउट काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे हेडलाइट लो बीम हाई बीम का बटन दे रखा है, यहाँ पे पासिंग का, यहाँ पे ये इंडिकेटर का और ये हॉर्न का, और यहाँ पे इंजन किल स्विच का बटन दे रखा है और यहाँ पे ये सेल्फ का, यहाँ पे हैजार्ड लैंप के लिए स्विच लगवाया हुआ है
और वहीं अगर इसके मीटर की बात करें, ऐसे मीटर इसके अंदर सेमी टैको आता है, यहाँ पे ये टैकोमीटर आरपीएम का, और यहाँ पे ये इसकी स्क्रीन, इसको करते हैं ऑन। ऑन करते ही आपको यहाँ पे एक हल्की सी साउंड सुनाई दी होगी, वो फ्यूल इंजेक्ट की है। जब इसको हम ऑन करते हैं तो इसका फ्यूल पंप ऑयल लेने लग जाता है। ये वार्निंग लाइट सारी आपको यहाँ पे मिल जाती है, और यहाँ पे इसके फ्यूल की इंडिकेशंस मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको साइड स्टैंड की नोटिफिकेशन मिलती है, और सर्विस की यहाँ पे आ रहा है ये टाइम, यहाँ पे ये किलोमीटर्स, और यहाँ पे ये इसका ओडोमीटर है, और ओडोमीटर इसके अंदर ट्रिप ए ट्रिप बी भी इसके अंदर आता है, और यहाँ पे आरपीएम लिमिट की लाइट जलती है जब इसको ज़्यादा प्रेप करते हैं, जब ये वाली लाइट ब्लिंक करने लग जाती है। सो ऐसा कुछ इसका टैकोमीटर है। सो अब करते हैं R15 के टैकोमीटर की बात। सो R15 का टैकोमीटर कुछ ऐसा है। यहाँ पे अगर इसकी क्वालिटी की बात करें, सो क्वालिटी कंपनी ने क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी इसकी दी है। यहाँ पे हेडलाइट हाई बीम लो बीम का बटन, और यहाँ ये पास का इंटीग्रेटेड इसी के अंदर है। यहाँ पे ये इसका इंडिकेटर का बटन, और यहाँ पे ये हॉर्न का, और इस वाली साइड में इंजन किल स्विच का बटन, और यहाँ पे ये सेल्फ का बटन है। और यहाँ से कुछ ये ऐसी दिखती है। इसके अंदर फुल्ली डिजिटल मीटर आता है। इसकी की को इंसर्ट करके इसको करते हैं ऑन। सो ऐसा कुछ इसका मीटर आता है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करवा सकते हो। यहाँ पे अपना आप नाम वगैरह सब कुछ लिखवा सकते हो। यहाँ पे सारी वार्निंग लाइट इसकी इस वाली साइड में और इस वाली साइड मिलती है। ऐसे अभी यहाँ पे ABS की लाइट जल रही है। और वहीं अगर इसके मीटर की बात करिए, यहाँ पे गियर्स की नोटिफिकेशन आती है कि आपकी बाइक किस गियर में चल रही है। यहाँ पे ये RPM लिमिट आती है, और यहाँ पे ये किलोमीटर शो करता है, और इसी के अंदर ट्रिप ए ट्रिप बी भी शो करता है, और यहाँ पे ये स्पीड का, और यहाँ पे ये फ्यूल का। तो दोस्तों ये थी दोनों बाइक जो मैंने अभी करी एक्सप्लोर। ये थी यामा की R15 और ये बजाज की पल्सर RS 200। दोनों ही अपने सेगमेंट की काफी अच्छी बाइक है, काफी ज्यादा ये दोनों एक दूसरे को कॉम्पीट भी करती है। वहीं अगर इन दोनों की प्लास्टिक क्वालिटी की बात करी है, तो प्लास्टिक क्वालिटी नो डाउट दोनों ही बाइक की काफी अच्छी है, लेकिन इसके एजेस के मुकाबले इसके एजेस थोड़े से लूज है। जब आप रियल में इन चीजों को देखो, जब ज्यादा समझ में आएगा, बाकी आपने वीडियो में देख के अंदाजा लगा ही लिया होगी। काफी दिक्कत है इसकी फेयरिंग्स के साथ है। और वहीं अगर इनके सिटिंग पोस्चर और इनके राइडिंग पोस्चर की बात करें, तो दोनों के राइडिंग पोस्चर इसका कंफर्टेबल है, लेकिन इसका काफी एग्रेसिव है। दोनों के अंदर कंपेरिजन करना काफी मुश्किल चीज है। तो अगर आप इन दोनों में से किसी भी एक बाइक को प्लान कर रहे हैं, तो कोई भी बाइक परचेज कर सकते हैं। दोनों ही काफी अच्छी बाइक है। आपको इन दोनों में से कौन सी बाइक ज्यादा अच्छी लगती है, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। बाकी वीडियो करना लाइक, चैनल करना सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।